वेरी वेल वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राचीन जीव के बारे में जो लगभग क्रोकोडाइल या आज के जो मॉडर्न मगरमच्छ हैं या जो आज के जो मगरमच्छ है, इनका शरीर बिल्कुल उनके ही जैसा दिखता था। आप ये कह सकते हैं कि ये जो मगरमच्छ के शरीर के जैसे समान इनका भी शरीर हुआ करता था। इन्होंने लगभग पृथ्वी में 200 मिलियन साल तक राज किया और जिंदा रहे, और अब ये विलुप्त हो चुके हैं। अब ये नहीं कहना चाहिए, ये काफ़ी साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। इनका अस्तित्व था वो डायनासोर के पहले से भी हुआ करता था, और ये ऐसे जीव है जो कहा जाता है डायनासोर के अस्तित्व से पहले ये जीव इस पृथ्वी पर रहा करते थे और लगभग 200 मिलियन साल तक ये जीवित रहे। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि ये विलुप्त हो गए हैं। इन जीवों की बनावट बिल्कुल आज के मगरमच्छों के समान थी, तो कहा जाए इनको ये माना जाता है कि क्रमिक विकास में ये एक दूसरे के कजन्स भी कहलाएंगे। अब इस पर्टिकुलर जीव को खोजा गया है, इसके अवशेष पूरे विश्व में हर जगह मिलते हैं, लेकिन सिवाय अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे द्वीपों को छोड़ के ये हर जगह इनके अवशेष मिल रहे हैं। इन पर्टिकुलर जीवों के जो स्पेसिमेन मिले हैं उनको स्टडी किया गया और एक चीज़ का पता लगाया गया, जैसे कि मगरमच्छों के पीठ का जो आवरण है वो एक शील्ड या कवच की भांति होता है, वैसे ही इन जीवों में कवच नुमा बनाने में इनके शरीर में बहुत आपके ये दिखेगा हड्डी नुमा शल्क जैसी संरचना होती है। और ये जो हड्डी नुमा शल्क जैसी संरचना थी वो इनके सीधा चमड़ी पर धंसी हुई देखने को मिलती है। और ये जो आपके धंसी हुई संरचना है वो आपस में जब संगठित होती थी पूरे शरीर पे, जैसे आप सिर से पीठ नीचे इनकी पूंछ तक की ओर देखें तो इनके पीठ में जो ये संरचनाएं होती थी वो मोज़ेक जैसी पैटर्न या आकृति को बनाती थी, जिसके कारण ये एक आर्मर या समझ जीजिए एज अ कवच जैसा प्रतीत होता था, जैसे कि आज के मगरमच्छों में भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसमें खास बात यह था कि इनके शरीर में पीठ के ओर दाएं और बाएं भाग पर एक लंबवत तरीके से आपको कांटेनुमा या स्पाइक जैसी संरचना देखने को मिलती थी बहुत सारे। और ये जो कांटेनुमा संरचना था ये घूमे हुए कांटे जैसे देखने को मिलती थी जो बाहर की ओर होती थी। तो ये संरचना इनमें हो सकता है इसलिए विकसित हुई होंगी कि जो जीव जो इनका भक्षण करने वाले होंगे उनसे रक्षा प्रदान करती होंगी इनकी ऐसी संरचना। और जो शोधकर्ताओं या टीम के रिसर्च करने वाली जो टीम है जो इनके ऊपर शोध किया जा रहा है रिसर्च कर रही है वो इस जैसी संरचना को देख के काफ़ी सरप्राइज है। और आज के जो मॉडर्न जो क्रोकोडाइल्स या फिर मगरमच्छों में देखें तो ये संरचना आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये जो कांटेनुमा संरचना है जो अवशेष इनके प्राप्त हो रहे हैं तो ऐसी संरचना इनके शरीर में देखने को मिल रही है। इनका जो शरीर था मगरमच्छों के अपेक्षा में ये थोड़े भिन्न हुआ करते थे। आकार में आप देखें तो आकार में ये उनसे लगभग थोड़े छोटे हुआ करते थे, लेकिन आप ये समझ जाइए कि इनका बिल्कुल जो कद कांठी जो आप देखेंगे या फिर जो इनके शरीर की जो अधिकतर बनावट थी वो बिल्कुल मगरमच्छों जैसी ही हुआ करती थी। अब यहाँ पर जो रिसर्चरों की टीम है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें खोज के निकाली, और इनमें से एक आपका रिसर्चरों की टीम है जिससे कहा जाए एक व्यक्ति का नाम है जो एक रिसर्चर का नाम है जिसका मैं कहूँगा विलियम रेस, वो एक डॉक्टरल स्टूडेंट हैं आपके यूटी जैक्सन स्कूल ऑफ जियो साइंसेस के। उनके स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि इस पर्टिकुलर जीव को नाम दिया गया है एटोसॉर्स, और ये एटोसॉर्स जिसके स्पेसिमेन को खोज खोज के निकाला जा रहा है और इनके बारे में स्टडी किया जा रहा है, इनके अवशेषों को पढ़ा जा रहा है, तो इनको इन्होंने नाम दिया है, अभी इन्होंने इन जीवों को नाम दिया है गार्जा पेल्टा। गार्जा का नाम है मतलब गार्जा एक जगह है टेक्सास के पास, वहाँ से ये अवशेष मिले हैं, तो इनका नाम पड़ा गार्जा पेल्टा, मतलब लैटिन में पेल्टा का मतलब होता है शील्ड या कवच, इसलिए इसको नाम मिल गया गार्जा पेल्टा। आगे इसमें बात की, ये लगभग मैंने जैसे बताया कि ये 200 मिलियन साल तक ये जीवित रहे, और जो इनकी कांटेनुमा संरचना थी वो इनको इनके जो भक्षण करने वाले या इनके प्रेडेटर्स होते हैं उनसे बचाती थी।
लेकिन अगर ये कहा जाए ये फर्क इनमें आया कैसे, और लगभग इनके शरीर ज्यादातर इनके शरीर जो है वो एक आज के जो विकास जो होगा उसके हिसाब से ऐसा होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको ये बताऊं कि मान लीजिए आप तेंदुए की एक प्रजाति है, जैसे आपने पढ़ा होगा एक आपकी प्रजाति इसका नाम है स्नो लेपर्ड और एक है लेपर्ड। स्नो लेपर्ड और लेपर्ड ये अब दो अलग अलग प्रजातियां हैं जो लेपर्ड से ही विकसित हुई होंगे, तो हो सकता है इनके जो प्राचीन वंशज होंगे वो एक ही रहे होंगे, तो हो सकता है इन दोनों प्रजातियों के भी जो वंशज होंगे वो एक ही रहे होंगे, लेकिन आज ये प्रजातियां विलुप्त हो गई, लेकिन आज के जो मगरमच्छ जो अस्तित्व में है वो क्रमिक विकास में आगे बढ़े और अभी तक जीवित हैं। जैसे कि अगर बात करें, जैसे मान लीजिए तेंदुआ या लपड़ होगा किसी इलाके में ये रह रहे होंगे, इसके कुछ सदस्य आगे बढ़ गए और घुस गए जंगलों में, तो वहाँ इन्होंने अपने आप को जंगल में रहने लायक ढाल लिया और इसी प्रजाति के कुछ सदस्य आगे चले गए आपके बर्फीले इलाकों में, तो वहाँ इनके शरीर ने अपने आप को बर्फ के अनुसार ढाला और ये अपने आप में बदल गए और दोनों के क्रमिक विकास हुआ, और इसके वजह से ये लोग आपस में अब बिल्कुल विभिन्न प्रजातियों में या थोड़ा इनमें फर्क आ गया है, इसीलिए उसको कहा जाता है स्नो लेपर्ड, जबकि जंगल में रहने वाले को हम लेपर्ड भी बोला करते हैं। तो वैसा ही टाइप का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इसे कहा जाता है, और इसी के प्रकार इनमें भी ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।